मंडी में बिल्कुल भी माल नहीं है, जितना भी माल है ये सब अब सड़ रहा है धीरे धीरे। हम डब्बे को लगा रहे थे 18 रुपए किराया, उस डब्बे को इस टाइम अभी 50 रुपए किराया लगाना पड़ रहा है। मैं यहाँ पे एक घंटे से वेट कर रहा हूँ, अभी तक मुझे यहाँ पे अभी कॉल का कोई चांस नहीं हुआ है। कहाँ फोन करना है? अपनी माँ को फोन करना है, यूपी। सेवेंटी जो इन्होंने हटाया है यहाँ से, इससे बहुत नुकसान हो गया है ग्रोअरों का। लोग मंडी के अंदर नहीं है। अगर आपने कैप्चर किया होगा कि मंडी में बिल्कुल भी माल नहीं है, जितना भी माल है ये सब अब सड़ रहा है धीरे धीरे, क्योंकि इसकी लाइफ बहुत कम होती है। ये आज जो ये माल आता है ये सब वैरायटी होती है, इसकी लाइफ 2-3 दिन होती है। और इन्होंने यहाँ पर जब ये आ गए, इन्होंने यहाँ पुलिस की गाड़ी लाई और फिर इन्होंने यहाँ से बोला कि सीआरपीएफ भी आई है, उन्होंने बोला यहाँ से खाली करो, ये यहाँ पर अलाउड नहीं है बैठना। तो अब जो जितना भी माल यहाँ पर था वो सारा घर वापस चला गया है और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है फ्रूट ग्रोवरों का। जैसे कि हम कल सुबह सवेरे इधर आए हैं, हमारा फ़ोन नहीं चल रहा था, जो हमने अपने ट्रक वालों को फ़ोन करके रखा था सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग आना मंडी में, आपकी गाड़ी लोड हो जाएगी। तो जैसे हम कल से कल निकल गए तो हमें बार कर्फ्यू लगा था, हमें छोड़ा नहीं गया। तो फिर हम इधर आ गए, कहीं आगे पीछे करके तो पहुंच गए इधर, हमारी गाड़ी इधर पहुंच नहीं पाई क्योंकि जो हमारा इधर माल उठता था गाड़ी में लोड हो जाता था। हम डब्बे को लगा रहे थे 18 रुपए किराया, उस डब्बे को इस टाइम अभी 50 रुपए किराया लगाना पड़ रहा है, तब भी गाड़ी नहीं हो रही है अवेलेबल, उसके कारण मुश्किल का सामना करना पड़ता है। बिहार के। और नाम क्या है आपका? नाम है सायमा। क्या मसला हुआ इधर आपका? इधर बस जाने है, घर जाना है। अब घर जाने को बोलते हैं, ये यहाँ काम करते हैं बोलते हैं, अब हम घर जाएंगे। जब यहाँ सब कुछ बंद कर दिया गया तो हम आप घर जाएंगे और क्या करेंगे? यहाँ रोज कमाने वाले हैं, रोज खाने वाले हैं। किसी ने फेरते भागने की जी और ना, क्या ना, नहीं किसी ने नहीं बोला, किसी ने किसी ने कुछ नहीं बोला ना, ना, ना। मगर फिर घर जाएंगे, घर कहाँ से खाए, कहाँ से पिए, ये तो सब बंद कर दिया। अभी यहाँ किस लिए आए? बात करने आए, यहाँ बात के साथ बात माँ से कि हम निकलेंगे, शाम से निकलने हैं, शाम को निकलेंगे। कितने दिनों से बात नहीं हुई? 5 तारीख से बात अभी हुई यहाँ पे बात ना? अभी नहीं हुई, अभी नहीं हुई बात करने आए। यहाँ की एडमिशन क्या बोल रही है? ये क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं जो टिकट निकालो फिर आना अंदर। हाँ ऐसे बोल रहे हैं, वो नंबर लगाओ जाओ फिर नंबर लगाओ फिर करना बात। मैं यहाँ पे 1.5 घंटे से वेट कर रहा हूँ, मुझे कॉल करना था यहाँ पे अपने ऑफिस में अपने बाहर के लिंक्स पे, लेकिन यहाँ पे बहुत देर से मैं खड़ा हूँ, कोई कम्युनिकेशन का कोई वे नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे हमें भगाया दिया जा रहा है, हम बहुत देर से यहाँ पे खड़े हैं, बहुत सारे लोग आप देख सकते हैं यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन किसी से कोई बात करने का कोई चांस नहीं है यहाँ पे। सब वहाँ पे वो लोग भी बड़े एम्बेरस वे में बात कर रहे हैं हमसे, हम वहाँ पे उनको बोल रहे हैं हमें बात करनी है, लेकिन वहाँ से चिल्ला के हमें भगा रहे हैं यहाँ से। तो ये जो गवर्नमेंट बोल रही है कि हमने पूरा टेलीफोन एसटीडी बूथ लगाए हुए हैं यहाँ पे, ये सब फेक है। पता नहीं मेरे घर वाले कैसे होंगे या घर वाले सोचते होंगे जो हम कैसे हैं, क्योंकि हमारे घर पर बहुत परेशानी होंगे, पैसे की भी तकलीफ होंगे, हम भेज नहीं पा रहे हैं। क्योंकि आज मैं 6 दिन से बात नहीं किया हूँ घर पर, घर में पता नहीं कौन बीमार होगा, कोई क्या होगा, कोई हमें नहीं मिल रहा है। ये मोदी सरकार पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, ये इन सभी को परेशान किए हैं, ये मुसलमानों को सताने के लिए किया है, ये और कुछ नहीं करना चाहते, बाकी इधर उधर परेशानी करना चाहते हैं लेकिन मुसलमानों को सता रहे हैं बहुत। हम मजदूर क्लास के आदमी हैं, जब हम यहाँ नहीं कमाएंगे कुछ तो हम अपने घर वाले को क्या खिलाएंगे?
ये मोदी सरकार ने सबको बंद करके रखा है। यहाँ पे एक छोटा सा फ़ोन रखा गया है जिसके वजह से वो तो एक मिनट के लिए बात की जा रही है। एक मिनट में हम कितनी बात कर सकते हैं अपने फैमिली मेम्बर से? पिछले लास्ट वन वीक से हमने कोई बात नहीं की है वहाँ पे, और ये हमें बता रहे हैं कि अभी जाके एक मिनट आप बात करके सारे कम्युनिकेशन ख़त्म करके बोल दीजिए कि बस इतनी सी बात की है हमने। उसके बाद गवर्नमेंट जो न्यूज़ पर दिखा रही है कि जम्मू का जो सीन्स दिखा रहे हैं कि जम्मू में सब नॉर्मल है, और उसको ऐड करके कश्मीर में दिखा रहे हैं, लेकिन जो कश्मीर का अभी का सिचुएशन है आप बाहर जाके देखिए, अभी यहाँ पे शेलिंग हो रही थी थोड़ी देर पहले, यहाँ पे टेयर गैस शेलिंग हो रही थी, सब यहाँ पे अफरा तफरी मची हुई है, लेकिन लोग जो बाहर दूसरे स्टेट्स का दिखा के कश्मीर को ऐड करके दिखा रहे हैं, लेकिन जब कश्मीर का एक न्यूज़ एडिटर पीछे खड़ा तो उसका बैक में देखिए कि कितने लोग खड़े रहते हैं, वो खाली एम्प्टी हाथ लेके पीछे से फैला रहा होता है, एक दो सिंगल गाड़ियाँ चल रही होती है उसकी वजह से दिखा रहा होता है सब नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ नॉर्मल नहीं है, सब पूरा यहाँ पे बिखरा पड़ा हुआ है। To receive instant updates on all videos from The Wire, click the subscribe button and hit the bell icon. Pay to support independent journalism. Click the link in the description and choose the amount you want to pay.